नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गोस्वामी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी खेल रत्न पुरस्कार 2022 हज़ार बाईस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेलाइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 हज़ार बाईस दोस्तों केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 14 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की है जो कि ये 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाएंगे तो हम दोस्तों इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि किसको इसमें कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है ठीक है तो ये जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर इसके मंत्री है और इन्होंने इसकी घोषणा की है तो दोस्तों नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स में कितने पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो दोस्तों कुल छः पुरस्कार इसमें प्रदान किए जाते हैं और छः पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत आते हैं तो कौन कौन से पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दूसरा अर्जुन पुरस्कार तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार तीसरा चौथा ध्यानचंद पुरस्कार पाँचवा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और छठा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी तो दोस्तों इन सभी में हम पहले डिस्कस करेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो कि खेल रत्न पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो कि हर चार वर्षों की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है दोस्तों इससे पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था जो कि 2021 में इसका नाम चेंज करके का क्या नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ठीक है तो दोस्तों हम यहाँ पर थ्योरी बेस भी देखने वाले हैं और लास्ट में वीडियो में हम एम कवर करने वाले हैं बीस इसके एम कवर करेंगे तो साथ ही साथ आपको उसका एम भी देना है दोस्तों ये पुरस्कार उन्नीस सौ बानवे से शुरुआत किया गया था और इससे सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ठीक है तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में हमने देखा है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों जो कि सबसे कम उम्र में अभिनव बिंद्रा को दिया गया था और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे दोस्तों इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि भी इस विजेता को दी जाती है ठीक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दो किसे प्रदान किया गया है तो ये क्या गया है अचंत सत्यज कमल को जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों अचंत सतरंत कमल जो कि चेन्नई के तमिलनाडु से है इनकी उम्र लगभग इनका जन्म है 22 जुलाई उन्नीस का ठीक है और इन्होंने बनीभंगम में भी गोल्ड मेडल जीते हैं जैसे कि बर्मिंगम मेन सिंगल्स में गोल्ड सिंगल मेडल जीता है मिक्स डबल्स में मेंस टीम और मेंस डबल्स में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है तो इनके उत्कृष्ट प्रदान को देखते हुए इन्हें ये गोल्ड मेडल दिया गया है मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है नेक्स्ट होगा हमारा दूसरा पॉइंट अर्जुन पुरस्कार तो दोस्तों विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले चार वर्षों से उपलब्धियाँ करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार इसकी शुरुआत दोस्तों उन्नीस से की गई थी और इसके अंतर्गत पंद्रह लाख रुपये की राशि विजेता को दी जाती है और लगभग दो में दोस्तों पच्चीस खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ठीक है तो क्वेश्चन बनता है कि अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है 2022 में तो दोस्तों 25 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अर्जुन पुरस्कार किन किन को दिया गया है तो मैं आपको नाम और उनका किस स्पोर्ट्स से संबंध है वो आपको मैं बताता चलूँगा जो कि सीमा पुलिया इनका एथलेटिक्स है एल्थोस पॉल जो कि एथलेटिक्स है अविनाश मुकुंद सेवल जो कि एथलेटिक्स हैं तो दोस्तों ये तीनों को एथलेटिक्स हैं आपको ये याद रखना है लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन से हैं कॉमनवेल्थ गेम्स दो, गेल्ड गोल्ड दो में गेल्ड मेडल सॉरी गोल्ड मेडल विश्व चैम्पियनशिप दो में ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है ठीक है और एच एस प्रणय जो कि बैडमिंटन है अमित मुक्केबाज हैं निकत जरीन मुक्केबाजी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप दो और कॉमनवेल्थ गेम्स दो में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है ठीक है भक्ति प्रदीप जो कि कुलकर्णी इन्होंने शतरंज से इनका संबंध है अर्जुन पुरस्कार दिया गया दोस्तों आर प्रज्ञानंद को जो कि शतरंज के एक चैंपियन है ठीक है इन्होंने मैंक्यूस कार्लेस को भी हरा चुका है ठीक है ये शतरंज के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है डीप ग्रे एक्का जो कि हॉकी से इनका संबंध है सुशीला देवी जूडो से है साक्षी कुमारी कबड्डी से है नयन मैनी सोकिया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपको याद रखना है इनका संबंध लाउन बाउल से है कॉमनवेल्थ गेम्स दो में महिलाओं की ऑन बाउल टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये याद रखना है उसका हिस्सा नयन मोनी सेकिया अभी थी ठीक है सागर किलस ओवाल जो कि मलकम से इनका संबंध है एल्बेनिया अल्बरीन जो कि शूटिंग से इनका संबंध है ओम प्रकाश मित्रवाल जो कि निशानेबाजी से इनका संपर्क है ठीक है और इसके आगे आते हैं श्रीजा अकुला जिनका टेबल टेनिस से संबंध विकास ठाकुर जो कि भारोतालन से इनका संबंध है अंशु जिनका कुश्ती से संबंध है यह है अंशु कॉमनवेल्थ गेम्स में दो में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप और दो में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है नेक्स्ट होगा सरिता परवीन भूष मानसी गिरिश जोशी पैराबिंटन तरुण ढिल्लो और जलिन जो कि पेरा बैडमिंटन से इनका संबंध है नेक्स्ट आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार ठीक है तीसरा होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार ये पुरस्कार उन शिक्षकों को दिया जाता है उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो एथलीट को उनके उत्कर्ष में हासिल करने के लिए उत्कृष्ट कार्य में हासिल करने में मदद करते हैं उन टीचरों को दिया जाता है जो कि प्रशिक्षकों को प्रशिक्षक देते हैं ठीक है उनको उनका लक्ष्य हासिल करने में मदद देता है पहली बार दोस्तों इसकी शुरुआत उन्नीस सौ पिचासी से की गई थी और पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था तो ये दिया गया था कुचित कोच भालचंद्र भास्कर भागवत था ठीक है और इसके अंतर्गत पंद्रह लाख रुपये की राशि दी जाती है ठीक है नियमित श्रेणी में दोस्तों जीवन ज्योत सिंह को दिया गया तिरंदाजी में मोहम्मद अमल कमर उसको बॉक्सिंग में शूटिंग चालू में दिया गया सुमा सिद्धार्थ सिरो को और कुश्ती में दिया गया सुजीत मान को ठीक है एक और रहता है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड ठीक है तो 2011 में इसकी स्थापना की गई थी यह उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने 20 सालों में या उससे अधिक समय में प्रशिक्षकों तो को खिलाड़ियों को उत्कृष्ट करने में मदद की हो ठीक है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता दो में एथलेटिक्स कोच कुंतल राय और हॉकी को राजेंद्र सिंह थे ठीक है तो आपको यह याद रखना है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड किन किन को दिया गया है दो में अभी दोस्तों तो ये दिया गया है दिनेश जवाहर बालक को जो कि क्रिकेट से इनका संबंध है विमल प्रफुल्ल घोष जो कि फुटबॉल से हैं और राजनाथ सिंह राज सिंह कुश्ती से इनका संबंध है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किन को दिया गया दोस्तों तो ये 2002 में इसकी स्थापना की गई थी 2002 से जो कि इसको देना शुभारंभ किया गया था ये खिलाड़ी व्यक्तिगत क्षमता में खेलों के प्रचार में अच्छे प्रदर्शन और उनके योगदान के लिए दिया जाता है इसमें दस लाख रुपये की राशि दोस्तों विजेता को दी जाती है मुक्केबाज साहू राज विराज हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान और महिला बास्केटबॉल कोच अरुणा घोष को इसके पहले प्राप्त करता था ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार अश्विनी याकुंजी सी जो कि एथलेटिक्स हैं धर्मवीर सिंह को दिया गया हॉकी में बी सी सूरज जो कि कबड्डी में नीर बहादुर सुरंग जो कि पेरा एथलेटिक्स में इनको दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इसे 2009 में शुरुआत किया गया था ठीक है और ये पिछले तीन वर्षों में खेल प्रचार और विकास की क्षेत्र भूमिका निभाने के लिए संगठनों कॉरपोरेट या निजी सार्वजनिक दोनों और व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है ठीक है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण श्रेणी ट्रांस स्टेडियम एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है विकास के लिए खेल श्रेणी लद्दाख इसकी एंड स्नोबोट को ये दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की बात करते हैं दोस्तों जो कि हमारा लास्ट है ठीक है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसकी शुरुआत उन्नीस सौ में की गई थी पिछले एक साल में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के शीर्ष स्थान पर यह विश्वविद्यालय को पुरस्कार दिया जाता है बॉम्बे विश्वविद्यालय दोस्तों यहाँ की अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का पहला विजेता था और अमृतसर पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने इसके रिकॉर्ड तेईस बार इसको जीता है और इस बार भी इसी ने इसको जीता है ठीक है अब एम की बात कर लेते हैं दोस्तों तो आप भी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इन बीस के प्रश्नों में से आपने कितने स्कोर किया है तो अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है तो सही जवाब होगा पंद्रह लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है नेक्स्ट होगा सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था तो यह किया था विश्वनाथ आनंद ने ठीक है नेक्स्ट होगा दो में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सही जवाब होगा पच्चीस खिलाड़ियों हो को अचंत शरद कमल का संबंध किस खेल से है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टेनिस वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों अनुराग ठाकुर जो कि भारत के वर्तमान खेल मंत्री हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा निकट जरीन किस खेल से संबंधित है तो दोस्तों निकट जरीन जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है और इन्होंने कौन सा पुरस्कार मिला है यह आप नीचे कमेंट करिएगा नेक्स्ट होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार में पंद्रह लाख रुपये की राशि जो कि विजेता को दी जाती है द्रोणाचार्य पुरस्कार में नेक्स्ट होगा लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है तो दोस्तों लक्ष्य सेन का संबंध किस से है बैडमिंटन से तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा नेक्स्ट होगा सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता का क्या नाम है तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है अभिनव बिंद्रा दोस्तों अभिनव बिंद्रा जो कि सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विनर है नेक्स्ट सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार भालचंद्र भास्कर तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था सही जवाब होगा कुश्ती से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट right आंसर होगा द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो दोस्तों 2011 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी जो सर्वप्रथम 2011 में यह दिया गया था दिनेश जवाहर बालक को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनका संबंध किस क्षेत्र से है सही जवाब होगा क्रिकेट से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट होगा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने वाले कौन सा पुरस्कार मिलता है तो दोस्तों खिलाड़ी को प्रशिक्षित करने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट होगा आर प्रज्ञानंद को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला है इनका संबंध किस क्षेत्र से है सही जवाब होगा चेस से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी तो दोस्तों उन्नीस सौ इक्यानवे बानवे में इसकी शुरुआत की गई थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं सुशीला देवी को अर्जुन पुरस्कार मिला था इनका संबंध किस क्षेत्र से है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जूड़ोसा है तो सुशीला देवी को अर्जुन पुरस्कार मिला था इनका संबंध किस क्षेत्र से है तो इनका संबंध दोस्तों जो कि जूड़ो से है नेक्स्ट होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का संबंध Cut. सबसे पहला विजेता कौन था तो दोस्तों जो कि इसके विनर थे बॉम्बे विश्वविद्यालय ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी तो दोस्तों इसकी शुरुआत उन्नीस में की गई थी आपको यह याद रखना है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत उन्नीस में की गई थी और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको नीचे कमेंट करके आंसर बताना है ठीक है और ये रही आज की हमारी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा चलिए मिलते एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय जय हिंद